संभालो थोड़ा दूर आप तुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं हमारे शाहरुख भाई और इकबाल भाई के शहबाज़ भाई की दावत पर यहाँ मालेगांव आया, और जब भी मालेगांव आता हूँ मुझे बेहद खुशी होती है। और यहाँ लोगों से मिलकर, यहाँ लोगों की ज़िंदा दिली देखकर मुझे हमेशा बहुत इत्मीनान मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ। हमारे पूना शहर में तो थोड़ी सी वहाँ एक बेइत्मीनानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हलचल है, लेकिन यहाँ पता नहीं एक बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आकर। और माशाल्लाह आज ये जायका ढाबा, इसके आज इफ्तिताह था, ओपनिंग थी, माशाल्लाह तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत एक साल पहले की बात शायद है ना, हम एक होटल में ऐसे चलते चलते बस रुके थे और शाहरुख भाई से मुलाकात हुई। ये हमारे बहुत यानी मोहब्बत करने वाले हैं और कई ज़माने से हमको फॉलो करते हैं माशाल्लाह, और वाकई में मोहब्बत करने हैं। इन्होंने बहुत मेहमान नवाजी की, उसी वक्त हमारे नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो शायद वहाँ काम करते थे, आज माशाल्लाह जो है ख़ुद का उन्होंने इतना बड़ा और इतना आलीशान ढाबा शुरू किया, होटल शुरू की, तो बहुत मेहनत करें। देखिए मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देते हैं, है ना। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के इंसान चमक ही नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो माशाल्लाह ये काम करते हैं, मेहनत करते आदमी ऊपर तक आता है ना। और हम भी यानी मेहनत को हमेशा सपोर्ट करते हैं, और मेहनत करने के बाद ही अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। मैं शाहरुख भाई मुझे देखकर इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि पहले हम मिले थे, एक साल पहले की बात है, जहाँ काम करते थे, आज खुद का होटल शुरू कर दिया। मैं बहुत दिल से दुआएं देता हूँ, शाहरुख भाई के लिए भी, उनके जो पार्टनर हैं हमारे उनके लिए भी, कि अल्लाह ताला इनके जो शराकत दारी है, पार्टनरशिप है, इसमें खूब बरकत अता फरमाएँ और इस होटल में भी खूब बरकत अता फरमाएँ। और यहाँ पर ग्राहकों की ऐसी भीड़ हो जाए कि इन लोगों को टोकन तकसीम करने पड़े, इंशाअल्लाह ऐसे हम दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला जो है इनको रिस्क हलाल का एक ज़रिया बनाए और लोगों को इससे रोज़गार मिले। और ऐसी देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, पैसे कमाना दुनिया नहीं है, अल्लाह से गाफिल होना दुनिया है। अल्लाह से गाफिल इंसान मस्जिद में बैठ के भी हो सकता है, अगर कोई मस्जिद में बैठ कर अल्लाह से गाफिल है तो वो दुनिया है, और कोई कारोबार करते हुए अल्लाह को याद कर रहा है तो वो दीन है। दीन और इस्लाम सबसे ज़्यादा कारोबार व्यवहार व्यापार से फैला है ना। तो आदमी किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ़ वो मामलात को अच्छे रखें, ज़बान मीठी रखें, और आने वाले हर मेहमान हर ग्राहक के साथ अच्छा सलूक करें, इंशाअल्लाह ये कारोबार भी इस्लाम के और दीन के फैलने का ज़रिया बन सकता है। ऐसा साहबा ने औलिया इकराम ने कई मिसालें बयान पेश की है पूरी उम्मत के सामने। मैं फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खूब तरक्की अता फरमाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।